मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा तवा कॉलोनी स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता रख जिले के पत्रकारों को मकर संक्रांति के अवसर पर मिठाई खिलाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने पत्रकारों से चर्चा कर विकास कार्यों की समीक्षा की गई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आगामी माह 1 फरवरी से विकास यात्रा निकालेंगे। यह यात्रा प्रदेश के विधायक सांसद अपने अपने क्षेत्र में करेंगे, जो पूरी फरवरी माह चलेगी। उन्होंने कहा कि जनता को बता सके कि तुलना अंतर की कांग्रेस ने 60 सालों में एक भी शौचालय, गरीब का एक पक्का मकान व पीने के लिए पानी समेत व्यवस्था तक नहीं की। हमने सड़कों का जाल बिछाया, बिजली और पक्का मकान सहित गरीबों को योजना का लाभ दिया। हरदा से आलोक पटेल की रिपोर्ट। विकास यात्रा निकाल रहे हैं आप 1 फरवरी से, किन बातों को लेकर गांव में जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में सर्वांगीण विकास हो रहा है, मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश। और केंद्र प्रदेश सरकार ने इतने काम किए हैं कि अगर हम तुलना करें कांग्रेस के 60 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 60 साल पर 8 साल भारी है। विकास दो प्रकार का होता है, एक आधारभूत ढांचे का विकास और एक व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत में आता रोटी कपड़ा और मकान, और आधारभूत ढांचे में आता सड़क बिजली पानी स्वास्थ्य और शिक्षा। इन दोनों ही तरह के विकास में हम तुलना करेंगे 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया और 8 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया केंद्र में। इसी प्रकार 60 साल में कांग्रेस के जितने मुख्यमंत्री रहे उनने क्या किया, और अकेले हमारे शिवराज सिंह जी ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री रहे उनने क्या किया। तो यहाँ भी 60 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में काम किया। इसलिए दोनों की तुलना होना चाहिए, और तुलना के लिए हम गांव में जाएंगे, विकास यात्रा करेंगे, एक एक पोलिंग बूथ पर, एक एक गांव में 1 फरवरी से लेकर पूरे फरवरी माह ये विकास यात्रा चलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में अलग अलग सभी विधायक अपने अपने विधानसभा में, सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये यात्राएँ निकलेंगी, जिससे जनता को बता सके तुलना अंतर कि कांग्रेस ने 60 साल में एक शौचालय नहीं बनाया, 60 साल में एक गरीब का पक्का मकान नहीं बनाया, 60 साल में एक पीने के पानी की कहीं व्यवस्था नहीं की। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल में बिजली पानी सड़क और शौचालय भी बनाया, स्वच्छ भी किया, प्रधानमंत्री आवास भी दिए, और 2024 तक सब हम कर देंगे। सड़कों का जाल बिछाया हमने, सिंचाई में क्षेत्र में हम नंबर 1 है प्रदेश में, हरदा जिला 100% सिंचित होने जा रहा है, सड़कों के हमने जाल बिछा दिया है, और जितनी भी नदी नाले हैं उसके ऊपर पुल पुलियाएं भी बना रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम नंबर 1 होने जा रहे हैं, सीएम राइज स्कूल, पीएम श्री स्कूल। इसी प्रकार बिजली, जहां 1 सब स्टेशन था 60 साल में, अब 3 ही सब स्टेशन होकर 2 और हम स्वीकृत कर रहे हैं, 132 कर, बाकी सब स्टेशन दर्जनों। तो बिजली की व्यवस्था भी 24 घंटे पर्याप्त रहेगी, सिंचाई की व्यवस्था भी 100% खेतों को सिंचित कर रहे हैं, पीने के पानी की हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जल जीवन मिशन अभियान के तहत जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो 8 साल में हुआ। इसलिए ये विकास यात्रा लेकर जाएंगे और 2023 में पुनः कमल का फूल खिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।